Hello everyone, here we are talking about BEd first year teaching subject, that is teaching of English. Today's our topic is skill of illustration. You know, I had already completed three skills in previous lectures. आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो इलस्ट्रेशन स्किल को लेके रहेगा, दैट व्हाट इज इलस्ट्रेशन स्किल एंड व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ इट. तो हम इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, इलस्ट्रेशन होता क्या है. जो हमने इससे पहले स्किल की बात की थी वो हमने एक्सप्लेनेशन की थी कि हम किसी भी टॉपिक को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे जो पढ़ा सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन की, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन का क्या मीनिंग है. ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, जब वो एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाते तब हम इलस्ट्रेशन का जो यूज है करते हैं, इलस्ट्रेशन स्किल का. देन टीचर इलस्ट्रेट इट. जब वो एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाते, दैट मीन्स कि ओरली जो एक्सप्लेनेशन हो रही है वो चीज नहीं समझ पा रहे, तो उसके लिए क्या करता है टीचर जो इलस्ट्रेट है वो करता है इलस्ट्रेशन स्किल. दैट मीन्स वहां पे आपको जो है विद द हेल्प ऑफ चार्ट, विद द हेल्प ऑफ मैप्स, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल जो ऑब्जेक्ट्स है उसके द्वारा आपको समझाया जाएगा. तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्लेनेशन. एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्लेनेशन मीन्स कि इसको और एक्सप्लेनेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे और जो एक्सपेंड है वो किया जा सकता है. इट मेक्स टीचिंग लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर कंक्रीट. ये और ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो बना सकती है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स है उसको हम जो है एक ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि मॉडल्स, चार्ट्स और कोई ऑडियो विजुअल जो टीचिंग एड्स है उसकी हेल्प से हम जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारा कंटेंट है उसको जो एक्सप्लेन करते हैं. इट स्टिमुलेट्स एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू कंप्रीहेंड द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और आइडिया. उसको अच्छी तरीके में समझने के लिए, उसको अच्छी तरीके से जो कॉम्प्रिहेंड करने के लिए जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन. थस स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन इज वैल्यूएबल मीनिंग ऑफ कल्टिवेटिंग पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट एंड ट्रेन द सेंस टू ग्रेटर अटेंस एंड परसेप्शन. तो हम कह सकते हैं कि जो इलस्ट्रेशन स्किल है इसकी एक बहुत बड़ा जो रोल है किसी भी टॉपिक को ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए, ज्यादा अच्छे तरीके से उसको समझाने के लिए. द स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद द एग्जांपल इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग एन आइडिया, कंसेप्ट, प्रिंसिपल और जनरलाइजेशन बाय यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल. तो इसमें ज्यादा जो एग्जांपल है वो कैसे होने चाहिए, विद जो आपके डेली लाइफ से या डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए, आपके डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे रिलेटेड अगर एग्जांपल होंगे तो आप बेस्ट तरीके से किसी भी टॉपिक को जो इलस्ट्रेट कर सकते हैं. स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन इज यूज्ड वेयर प्रिंसिपल इज एनालाइज्ड एंड क्लैरिफाइड इन विच द एग्जांपल एंड इलस्ट्रेशन आर एडिक्वेट यूज्ड. इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू नोट डाउन फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर यूज इट. कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी जो चीजें हैं वो टीचर को याद करनी रखनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल जिसकी सहायता से वो किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी जो आइडिया को अच्छे तरीके से है जो इलस्ट्रेट कर सके, एक्सप्लेन कर सके. फर्स्ट है एबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल. एबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, जो भी आप एग्जाम्पल चूज कर रहे हो, जो भी आप एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझा रहे हो वो एक टॉपिक से जो मिलते होने चाहिए और जो आपकी डे टू डे लाइफ होती है उसमें क्या है वो मिलते जुलते रिलेटेड होंगे, तो बच्चों को और भी आसानी से जो समझाया जा सकता है. सिलेक्टिंग इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल. Illustration and example.
और क्या हो सकता है? फर्स्ट है जो एबिलिटी, टीचर में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इलस्ट्रेशन कर रहे हो, जिस चीज के इलस्ट्रेशन स्किल आप यूज कर रहे हो, जो एग्जांपल है उससे रिलेटेड है या नहीं। तो आपको इस एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अच्छे से अच्छे जो एग्जांपल है वो सिलेक्ट कर सको। एबिलिटी ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट, एबिलिटी ऑफ इफेक्टिव तो उसमें क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव जो प्रेजेंटेशन है वो आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स। और क्या हो सकता है, एबिलिटी टू मेक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर, एबिलिटी टू मेक द कंसेप्ट अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर, टू मेक द कंसेप्ट अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर। आप जिस भी चीज को करवा रहे हो, जिस भी कंसेप्ट को करवा रहे हो, टीचर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस चीज को अच्छे तरीके से, जो अंडरस्टैंडेबल है, क्लियर करवा सके, अच्छे तरीके से वो स्टूडेंट के समझ में आने चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं, हम इसको तीन प्रिंसिपल बोल सकते हैं या फिर हम इसको तीन पॉइंट्स बोल सकते हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फॉर द टीचर टू इफेक्टिव टीचिंग। तो इसमें एबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल, आपका जो कंसेप्ट है और जो एग्जांपल है, उस आपकी एबिलिटी होनी चाहिए वो कितने अच्छे से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन एबिलिटी ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट को प्रेजेंट करने के लिए आपके इफेक्टिव रूप से आप प्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड है एबिलिटी टू मेक द कंसेप्ट अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर, जो भी कंसेप्ट आप समझा रहे हो उसको अच्छे तरीके से जो अंडरस्टैंडेबल समझा सको और उसको जो क्लियर कर सको। नाउ हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलस्ट्रेशन स्किल, जो इलस्ट्रेशन स्किल है उसके कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं। बात करते हैं हम कंपोनेंट्स की, जो इलस्ट्रेशन स्किल है उसके कौन कौन से जो कंपोनेंट होने चाहिए। फर्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेटिव एग्जांपल, फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेटिव एग्जांपल्स। अब जो एग्जांपल आप स्टूडेंट को दे रहे हो किसी भी कंसेप्ट को समझाने के लिए, यू कैन यूज सम एग्जांपल्स। तो जो एग्जांपल है वो क्या होने चाहिए, फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेटिव, जिस कंसेप्ट को, जिस आइडिया को क्लियर कर रहे हैं वो सारे के सारे जो एग्जांपल है उसी से रिलेटेड होने चाहिए, और वो क्या है, आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए। द एग्जांपल वुड पर्टेन टू द कंसेप्ट रूल और थॉट एंड शुड बी हेल्पफुल इन टेकिंग कॉम्प्रिहेंसिबल, एग्जांपल रिलेटेड टू द टॉपिक शैल प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। टीचर शुड अवॉइड सच एग्जाम्पल विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसेप्ट। तो कोई एग्जाम्पल कैसे होने चाहिए, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसेप्ट, तो बहुत ही जो नजदीक होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा उसे जो रिलेटेड है वो होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सिंपल एग्जाम्पल, फॉर्मुलेशन ऑफ सिंपल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑलवेज वुड बी सिंपल, क्योंकि जितने सिंपल एग्जाम्पल होंगे उतनी ही जल्दी, उतनी ही अच्छे तरीके से हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंसेप्ट को अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। टीचर शुड फॉर्मुलेट सिंपल एंड क्लियर एग्जाम्पल, दोज एग्जाम्पल शुड बी इजी टू अकॉर्डिंग टू देयर एज, देयर एज मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एज, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मेंटल लेवल, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स क्लास।
सो दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट. किसी भी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में किसी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करें. तो ये जब भी आप एग्जाम्पल दो, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करना चाहो, तो दिमाग में यही चीज होनी चाहिए कि जैसे ही आप एग्जाम्पल देते हो तो जो स्टूडेंट है उसी टाइम एट ए टाइम दे कैन अंडरस्टैंड दीज एग्जाम्पल एंड टॉपिक. आप उस टॉपिक को समझने में उसकी सहायता करें. तो जो एग्जाम्पल है वो कैसे होने चाहिए, अगर हम बात करें कि किस तरीके की होनी चाहिए. टीचर मस्ट कीप इन हिज माइंड एज लेवल प्रीवियस नॉलेज फैमिली बैकग्राउंड एक्स्ट्रा. बच्चों को जब भी एग्जाम्पल देने उनकी इन चीजों का जो ध्यान है वो रखना चाहिए. आगे हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. फॉर्मुलेशन ऑफ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स. इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स मीन आप ऐसे एग्जाम्पल चूज करो जिसे सुनने में स्टूडेंट को इंटरेस्ट आए, वो प्रॉपर इंटरेस्ट उसको सुन सके. एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज वन विच इज हेल्पफुल टू सस्टेनिंग एंड एबल टू अराउज क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक और कंसेप्ट. स्टूडेंट अटेंटिव बिहेवियर एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्ट आर द क्लियर टेस्ट दैट द एग्जाम्पल इज इंटरेस्टिंग टू देम. जितना स्टूडेंट इंटरेस्ट बनाएंगे उतना ही हम कह सकते हैं कि जो चूज किए गए एग्जाम्पल है वो जो रिलेटेड है, सिंपल है और इंटरेस्टिंग है विद द टॉपिक. यूजिंग डिफरेंट मैनर एंड मीडियम फॉर प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल्स. यूजिंग डिफरेंट मैनर Using different manners and medium for presenting examples. तो आपको जब भी एग्जाम्पल प्रेजेंट करनी है किसी भी आइडिया को क्लियर करने के लिए, तो उसके लिए आपको मैनर्स और जो मीडियम है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. सुटेबल मैनर एंड मीडियम शुड बी यूज्ड फॉर एग्जांपल. आपको सुटेबल जो मीडियम है और जो सुटेबल मैनर है वही यूज करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द आइडिया और अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट. इलस्ट्रेशन शुड बी प्रेजेंटेड विद सुटेबल एंड इफेक्टिव मीडियम विच मेक इट्स इफेक्टिव परमानेंट. इफेक्ट परमानेंट की इसका जो परमानेंट इफेक्ट रहता है स्टूडेंट के लिए, ज्यादा लंबे समय तक वो उस चीज को याद रख सकते हैं. एग्जाम्पल मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ देयर प्रेजेंटेशन विच दे आर एज फॉलो. किस किस अकॉर्डिंग वो जो एग्जाम्पल है आप बच्चों को दे सकते हो, किस किस मीडियम में अकॉर्डिंग टू द टॉपिक और कंसेप्ट आप बच्चों को दे सकते हैं. तो उसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले हम विजुअल एग्जाम्पल की बात करते हैं. तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, किस तरीके के जो एग्जाम्पल है विजुअल एग्जाम्पल. विजुअल एग्जाम्पल क्या है, जिस चीज को हम देख सकते हैं वो क्या होती है विजुअल. जैसे कि आप अकॉर्डिंग टू द टॉपिक चार्ट का यूज कर सकते हो, मॉडल का जो मॉडल्स हैं उसका यूज किया जा सकता है, आप पिक्चर्स का यूज किया कर सकते हो, आप डायग्राम का यूज कर सकते हो. डायग्राम का यूज किया जा सकता है, पिक्चर्स का यूज किया जा सकता है, जिसको कि हम क्लास में बच्चों को दिखा सके. स्टूडेंट एबल टू सी दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट क्या हो सकता है, दैट कैन बी अ चार्ट, मॉडल्स, डायग्राम या फिर पिक्चर्स हो सकते हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट और अकॉर्डिंग टू द टॉपिक. आगे हम बात करते हैं ऑडिटरी एग्जाम्पल्स, जिसके सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे. ऑडिटरी एग्जाम्पल में क्या आता है, ऑडिटरी एग्जाम्पल में हमेशा आता है जिस चीज को कि हम
जो उसको सुना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं जैसे स्टोरीज होती हैं, या फिर कहीं पे हम उसको विजिट भी करवा सकते हैं, प्रॉपरली हम उसको बच्चे को दिखा सकते हैं। वो चीज आती है जो एक्सप्लेनिंग इवेंट्स में आ जाती है, पर्सनल जो एक्सपीरियंस हम वो शेयर कर सकते हैं, कोई विजिट हो सकता है, जो स्टोरी टेलिंग हो सकता है, इसमें टेलिंग स्टोरीज आ सकती हैं, या फिर पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस होता है वो हम बच्चों को बता सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं किसी जो जो सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, हम किसी का जो इंटरव्यू है वो भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं, किसी का जो लेक्चर है वो भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टेक्सचुअल है जो एग्जांपल। टेक्स्ट, टेक्स्ट मींस क्या होता है, कुछ लिखा हुआ, कुछ जो छपा हुआ हम उसको दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच कैन बी फेल्ट बाई टच, टेक्स्चुअल क्या है, विच कैन बी फेल्ट बाई टच। हम इस चीज को फील कर सकते हैं, ये चीजें उन्हें दिखा के उनको प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, जैसे स्टैचू ऑफ गॉड हो गया, टॉयज हो गए, वर्ड्स हो गए, कोई फ्रूट्स वेजिटेबल, इन सब के जो छोटे छोटे मॉडल्स होते हैं हम उनकी सहायता से क्या कर सकते हैं, उनको जो दिखा सकते हैं। इसके लिए जो है हम वर्बल और जो नॉन वर्बल है उस मीडिया का भी जो यूज है वो कर सकते हैं। नॉन वर्बल मीडिया में क्या आ सकता है, दिस मीडियम इंक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल विदाउट यूजिंग वर्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्बल मीडियम, इट इंक्लूड द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ मॉडल, पिक्चर्स, डायग्राम एक्स्ट्रा। वर्बल में क्या होता है, वर्बल में दैट कैन स्पीक, दिस मीडियम इंक्लूड स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग टू अ टॉक, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, वर्बल मीडियम में आ जाएंगी। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आएगा उसमें हम बात करते हैं, ये तो हमारा फोर्थ पॉइंट के जो इसके सब पार्ट थे वो है। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, और इसमें जो कंपोनेंट है कौन सा होता है। हमारा जो आगे नेक्स्ट कंपोनेंट है वो यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस। यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट तरीके की जो अप्रोचेस है वो यूज की जा सकती है। अप्रोचेस एंड जो मेथड है तो उस तरीके की जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं वो वहां पे यूज की जा सकती है, फॉर द इलस्ट्रेशन ऑफ एनी कंसेप्ट और एनी टॉपिक। द बेसिक अप्रोच विच टीचर यूज टू क्लासिफाई एन आइडिया, कंसेप्ट और अ प्रिंसिपल इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। हमेशा जो क्या होती है वो क्या करता है टीचर द्वारा, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव जो अप्रोच होती है वो यूज की जाती है। इंडक्टिव में क्या होता है, जो जो डिडक्टिव अप्रोच होती है, इन द इंडक्टिव अप्रोच की अगर हम बात करें, वी स्टार्ट विद एग्जांपल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट आइडिया और पार्टिकुलर टॉपिक। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, पहले उस चीज के एग्जांपल देते हैं, फिर एग्जांपल देते देते जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है वो क्लियर किया जाता है। आगे अगर हम बात करें इंडक्टिव की, सॉरी डिडक्टिव की, तो उसमें क्या होता है, जो डिडक्टिव अप्रोच होती है उसमें टीचर स्टेट द फैक्ट, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले वो क्या करता है, किस स्टेटमेंट को पूरा करता है, किस स्टेटमेंट की जो इंट्रोडक्शन देता है, जो पार्टिकुलर एक टॉपिक की, पार्टिकुलर एक कंसेप्ट की, उसके बाद क्या करता है वो टीचर स्टेट द एग्जाम्पल, उसके बाद वो उसके जो एग्जाम्पल है वो सेट करता है। बहुत बहुत जो अप्रोचेस है, चाहे वो इंडक्टिव है चाहे वो डिडक्टिव है, दे have their own advantages and disadvantages and they have their own importance in teaching learning process। तो ये थे हमारे
कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन है उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो इसका लेसन है, माइक्रो लेसन है, वो कैसे बनाया जा सकता है। तो हमने माइक्रो लेसन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो हमारी तीन स्किल्स की है, ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर थ्री स्किल्स इन देयर स्किल्स। हमने क्या किया, जो माइक्रो लेसन है वो भी कंप्लीट किए हैं, उसका भी हमने बना के देखा है। आज इसका भी हम माइक्रो लेसन देख लेते हैं। स्टार्टिंग पे वही जो इसका पैटर्न रहता है सेम रहता है, स्टार्टिंग में जो आता है सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, टॉपिक की बात करते हैं हम, स्किल की बात करते हैं, प्यूपल टीचर के नाम की बात करते हैं, प्यूपल टीचर का क्या नाम है, उसका रोल नंबर है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं डायरेक्टली, इंग्लिश, टॉपिक आर्टिकल है जो। अगर हम स्किल की बात करें तो स्किल कौन सी है, यहाँ पे हमारी इलस्ट्रेशन जो स्किल है वो चल रही है। हम बात करेंगे रोल नंबर क्या है, क्लास क्या है, टाइम क्या है। रोल नंबर ऑफ पीपल टीचर, रोल नंबर क्या है पीपल टीचर का, क्लास कौन सी है, फॉर एग्जांपल हम सेवेंथ क्लास को पढ़ा रहे हैं, और जो टाइम क्या है, एक लेक्चर का जो टाइम है 35 मिनट है, 35 टू 40 मिनट का जो टाइमिंग रहती है लेक्चर की, उस हिसाब से हम उस लेक्चर को तैयार करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे सीरियल नंबर की बात आती है, कितने जो क्वेश्चंस हैं कैसे पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद जो पीपल टीचर एक्टिविटीज है, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट की एक्टिविटी रहती है, स्टूडेंट एक्टिविटी रहती है, देन कंपोनेंट, कौन सा जो कंपोनेंट है वो वहां पे यूज हो रहा है, फर्स्ट जो हमारा है टॉपिक आर्टिकल, रिलेटेड टू आर्टिकल। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, सबसे पहले क्या होगा, वो रिलेटेड टू जो आर्टिकल है उसमें से जो क्वेश्चनिंग है वो स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग की जाएगी। वहां पे स्टूडेंट की जो थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज है, पीके टेस्टिंग चेकिंग, प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। पीपल टीचर विल शो द पिक्चर ऑफ वाई एंड एग एंड आस्क द स्टूडेंट व्हाट इज दिस, क्या है जो फर्स्ट हमारा हम चलते हैं। पीपल टीचर विल शो द पिक्चर ऑफ अ बॉय एंड एन एग एंड, और क्या करेगा, स्टूडेंट से पूछा जाएगा वहां पे एंड आस्क द स्टूडेंट व्हाट इज दिस, आस्क द स्टूडेंट व्हाट इज दिस। पीपल टीचर के द्वारा एक पिक्चर, एक ऑब्जेक्ट, पिक्चर ऑफ अ बॉय एंड अ एग स्टूडेंट को दिखाई जाएगी, तो वहां पे जो स्टूडेंट का रिस्पांस है क्या रिस्पांस हो सकता है, क्योंकि दीज आर वेरी इजी, बॉय एंड एग जो पिक्चर्स है बहुत मतलब सिंपल है, इसको वो आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज अ बॉय एंड एग, स्टूडेंट का रिस्पांस, दिस इज अ बॉय एंड एन एग। कंपोनेंट कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ मीडिया ऑफ एग्जाम्पल, यूज ऑफ क्रिएट मीडिया ऑफ एग्जाम्पल, मीडिया दैट मीन्स पिक्चर,
दैट मीन्स क्या है, एक पिक्चर जो एक प्रॉपर शूटेबल है अकॉर्डिंग टू द आइडिया, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। कंटेंट कुछ है बॉय और एक्ट के बारे में पूछा, बट इज दिस और दिखाया क्या, पिक्चर दिखाई एक बॉय और एक एक्ट की, तो स्टूडेंट कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए बॉय एंड अ एग। तो ये क्या है, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ एग्जाम्पल, जो पिक्चर दिखाई है दैट इज क्या है, एक मीडिया है। आगे पीपल टीचर विल शो द पिक्चर ऑफ ए बुक एंड आस्क द स्टूडेंट व्हाट इज दिस, तो जिस भी तरीके की बुक है उसको पहचानेंगे स्टूडेंट, दिस इज हिंदी बुक या फिर दिस इज अगर कोई होली बुक है उस तरीके से वहां पे क्या होगा, एप्रोप्रिएट जो एग्जाम्पल होगा। तो इस प्रकार हमने वन बाय वन जितने भी कंपोनेंट किए थे उस कंपोनेंट के को ध्यान में रखते हुए हमने जो एक लेसन प्लान है वो करना है, कहाँ पे हम जो रेलिवेंट एग्जाम्पल है वो कर रहे हैं, कहाँ पे जो डिडक्टिव अप्रोच है वो हो रही है, कहाँ पे जो इंडक्टिव अप्रोच है वो वहां पे यूज की जा रही है। तो इस प्रकार हम इसका प्रॉपर जो एक लेसन है वो बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके ऑब्जर्वेशन शेड्यूल की, जो इसका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होता है, देखो माइक्रो टीचिंग में क्या सिखाया जाता है कि एक टाइम पे जो एक स्किल है वो यूज होती है, जब भी वो स्किल यूज कर रहा होता है स्टूडेंट पीपल टीचर जो छात्र अध्यापक है तो ऑब्जर्व किया जाता है उसे, किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, बाय द टीचर एंड बाय द क्लासमेट्स। आफ्टर ऑब्जर्वेशन दे जो वो रेटिंग स्केल है रेटिंग करते हैं उसकी टीचिंग की, तो उसमें क्या होता है, जो हमने वो किए थे कंपोनेंट किए थे रेलिवेंट एग्जांपल्स, कौन कौन से जो कंपोनेंट किए थे रेलिवेंट एग्जांपल मतलब उससे जो रिलेट होते हैं प्रॉपर टॉपिक से, एग्जांपल सिंपल एग्जांपल्स इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स जो उसके कंपोनेंट थे, है ना। यूज ऑफ जो प्रॉपर एप्रोप्रिएट जो मीडियम था और जो मैनर्स थे उसकी हम बात करते हैं, यूज ऑफ प्रॉपर या एप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट यूज करते हैं यहाँ पे वर्ड हम, मीडियम या फिर मीडिया ऑफ एग्जाम्पल। देन क्या है, रेलिवेंट या फिर यूज ऑफ अप्रोचेस, जो भी अप्रोचेस यूज की जाती है, ठीक है। इस चीज का हम बात करेंगे, इसकी हम रेटिंग करेंगे आगे, जो पीपल टीचर द्वारा यूज किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, अगर रेलिवेंट एग्जांपल है, जो सारे एग्जांपल है वो रेलिवेंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी रेटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ दिस 5 पॉइंट्स। वी विल रेट His और हर टीचिंग, उसकी हम टीचिंग को और उसके जो स्किल उसने एक्सप्लेन किया उसको रेटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू, अगर उसने ये अच्छे से जितना उसने अच्छे से किया उसकी दिख रेटिंग जाएगी, अगर उसने मतलब एवरेज किया तो हम उसको 2 पॉइंट दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, अगर निल है मतलब बिल्कुल नहीं किया तो हम उसको 0 पॉइंट दे सकते हैं। तो दिस इज द स्किल अबाउट, दिस इज द लेक्चर ऑल अबाउट स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है, तो हमारी ऑलमोस्ट जो स्किल्स हैं वो खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो नया टॉपिक है, जब फिर हम जो माइक्रो लेसन है, जब मेगा लेसन है उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।